हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, हम छत्तीसगढ़ की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं छत्तीसगढ़ के वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ऐसा लाल कलर का बटन है, इसे आपको दबाना है, और ये नोटिफिकेशन का बेल उसके बगल में, उसे भी आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, और ये करना बिल्कुल मुफ्त होता है, इससे ये होता है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार रोज़ आपके काम के वीडियो डालता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के, राष्ट्रीय उद्यान तो केंद्र स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षक के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसके लिए? संरक्षक के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है वन्य जीवों के। तो राष्ट्रीय उद्यान अनारक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आरक्षित, अनारक्षित बोल दिया था, सॉरी, आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? छत्तीसगढ़ में तीन राष्ट्रीय उद्यान हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार व्यापम, PSC या फॉरेस्ट किसी भी एग्ज़ाम के लिए में ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो तीन उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो हम एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978, स्थान बीजापुर, स्थान बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, स्थान बीजापुर, स्थापना 1978, स्थान बीजापुर, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रमुख पशु टाइगर। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखिए, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाए हैं, इसी तरीके से आप भी पॉइंट बनाकर इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है, राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया है। प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ टाइगर रिजर्व लागू किया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि राज्य में का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया और प्रदेश सरकार ने 2009 में यहाँ पर टाइगर रिजर्व लागू किया। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इंद्रावती के बारे में। देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। यह दुर्लभ जंगली भैंसे के अंतिम आबादी वाली जगहों में से एक है। ठीक है, कौन से? जंगली भैंसे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती नदी के किनारे बसे होने के कारण इसका नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इंद्रावती को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ और 1983 में भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यहाँ प्रमुख रूप से जंगली भैंसा, बारहसिंघा, बाघ, चीते, नीलगाय, सांभर, जंगली कुत्ते, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ने वाली गिलहरी, शाही बंदर, लंगूर आदि अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981-82, ठीक है, स्थापना 1981-82, स्थान बस्तर, क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर, प्रमुख पशु पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है ये? राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, जो कहाँ है? बस्तर में है। इस उद्यान में भैंसा द्रह
दरह नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से क्या पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। बायोस्फीयर का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे, पशुओं की देखभाल करने वाले। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो होते हैं वो इसको पशुओं को सेफ रखते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यह लागू नहीं है। कांगेर घाटी के बीचों बीच कांगेर नदी बहती है। कांगेर घाटी में कुटुमसर गुफा स्थित है, जिसमें अंधी मछली पाई जाती है। ठीक है, तो ये है दूसरा राष्ट्र, कांगेर घाटी उद्यान। पहला था इंद्रावती, दूसरा है कांगेर घाटी, ये सबसे छोटा है, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना 1981, पुराना नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जब मध्य प्रदेश हुआ करता था तब इसका नाम था संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। स्थान कोरिया व सूरजपुर। क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख पशु नील गाय, बाघ, तेंदुआ, सांभर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं यहाँ पर, क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये है गुरु घासीदास। ठीक है, तो ये जो तीन उद्यान हैं इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगा अभयारण्य, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसमें होगा अभयारण्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अभयारण्य देखेंगे हम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।